कि वर्ड मीनिंग एंड बुक एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आई होप सभी ने वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम चैप्टर 12 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर ईवीएस नोटबुक एंड मेंशन डेट एंड डे। चैप्टर में हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं वर्ड मीनिंग में, तो अब हम डेट एंड डे मेंशन करेंगे। पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग टुगेदर। एक साथ खाने के क्या फायदे होते हैं वो हमको बताना है। ईटिंग टुगेदर प्रमोट्स अ फीलिंग ऑफ लव एंड टुगेदरनेस, है ना। ईटिंग टुगेदर में साथ में खाना प्रेम की भावना को बढ़ाता है और एकता की भावना को भी बढ़ाता है। क्या करता है? एकता की भावना और प्रेम की भावना को बढ़ाता है। साथ में अगर खाना खाते हैं तो क्या होता है? एकता की प्रेम की भावना बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द मिड डे मील। मिड डे मील क्या होता है? इट इज अ मील प्रोग्राम विच प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम क्लासरूम हंगर। ये एक मील प्रोग्राम है, इसका खाने का एक प्रोग्राम है जो कि बच्चों को क्लासरूम हंगर यानी कि कक्षा में जो भूख होती है उससे प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। मिड डे मील आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द चिल्ड्रन। मिड डे मील जो होता है वो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि बिना किसी चार्जेस के दिया जाता है। बच्चों, एक गवर्नमेंट स्कूल में होता है जो हमने पढ़ा था, ऐसे बच्चे जो फूड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं यानी कि भूखे रहते हैं, हंगरी रहते हैं, तो ये क्लासरूम हंगर से बचाता है। क्लासरूम को यानी स्कूल में उनको खाना प्रोवाइड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट पे। ऐसे बच्चे जो कि खाना अफोर्ड नहीं कर सकते उनको दिया जाता है। तो ये एक प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ने चलाया है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मिड डे मील। अभी हमने जाना मिड डे मील क्या होता है, अब हम इसके बारे में जानेंगे कि इसके बेनिफिट क्या होते हैं। फर्स्ट, इट इंक्रीजेस द स्कूल अटेंडेंस। जैसे गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है कि बच्चे आते नहीं, तो इससे खाना अगर उनको प्रोवाइड किया जाता है तो भूख से बचने के लिए वो बच्चे प्रेजेंट होते हैं। तो इससे क्या होती है, उनकी जो स्कूल की अटेंडेंस होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, यानी कि स्कूल की अटेंडेंस को ये मिड डे मील इम्प्रूव करता है खाने के लिए बच्चे आते ही है। सेकेंड, इट इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पुअर चिल्ड्रन। गरीब बच्चे जो होते हैं उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, उनको खाना नहीं मिल पाता, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, फिर क्या होता है, मिड डे मील में खाना मिल जाता है तो उनकी हेल्थ भी क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है ना। थर्ड, इट ब्रिंग अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, है ना। टुगेदरनेस मतलब होता है एक साथ रहने की भावना को, एक साथ रहने की भावना को ये लाता है ना। मिड डे मील क्या करता है, एक साथ रहने की भावना को लाता है। कैसे? सब एक साथ बैठ कर मिड डे मील में खाना खाते हैं तो वो एक साथ रहने की भावना को लाता है। फोर्थ, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। ये रोजगार देता है। किसको रोजगार देता है ये मिड डे मील? कोई भी कुछ बनाने वाला चाहिए यानी कि वो कुक जो कि खाना बनाता है मिड डे मील के लिए, उसको रोजगार मिल जाता है मिड डे मील प्रोग्राम से। ओके, बच्चों आपको हेडिंग मेंशन कर दी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ओके, सभी को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की हेडिंग मेंशन कर दी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है ऑन ब्रेक्स ओकेजंस वी ईट टुगेदर। ओकेजन मतलब होता है अवसर, है ना। कौन से अवसर पर हम एक साथ खाना खाते हैं? आप सब भी खाते हो, कौन कौन से अवसर पर खाते हो? कोई बर्थडे पार्टी होती है तब, या कोई वेडिंग होती है, कोई सेरेमनी होती तब हम खाते हैं। तो यही हम लिखेंगे, वेडिंग्स शादी में, बर्थडे जन्मदिन पे, एनिवर्सरी किसी की भी एनिवर्सरी होती तब, हाउस वार्मिंग सेरेमनीज। और कब खाते हैं? हाउस वार्मिंग सेरेमनीज में। तो हम साथ साथ कब खाते हैं सभी मिलकर? वेडिंग, बर्थडे, एनिवर्सरी, हाउस वार्मिंग सेरेमनीज, है ना। इनोवेशन जब होता है तब। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज सेवा। सेवा क्या होता है? हमने चैप्टर में पढ़ा था कि सेवा जब भी कोई भंडारा या जंगल लगता है तो कोई भी अपने जैसे कोई भी पेपर जाके वहाँ उनकी किचन में हेल्प कर सकता है या फूड सर्व करने में हेल्प कर सकता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, सेवा कहते हैं। तो यही हम लिखेंगे, एनीबडी कैन हेल्प इन